स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी करो में चलिए आज हम कोई क्लास की बात नहीं करने वाले हैं आज हम जो आपका कल जो टेस्ट हुआ है वीकेंड टेस्ट जो आज सुबह हुआ है उसकी बात करने वाले हैं उसका सोल्यूशन आपके लिए देंगे ठीक है तो मैं दिलीप शर्मा आपके लिए आपका मैंटोर रीजनिंग मैंटॉर देखते हैं कि आपका टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार से सोल्यूशनस हैं ठीक है वैसे ऐसा करता हूँ कि आप सभी ने सोल्यूशन बहुत अच्छे किए होंगे हम आगे चलते हैं आगे क्योंकि रीजनिंग आप बहुत अच्छा करते हो देखिए भाई हम रीजनिंग स्टार्ट होगी शायद हमारी यहां से ट्वेंटी वन क्वेश्चन से जी आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे ऐसी मेरी आशा है इसी आशा के साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए ट्वेंटी वन क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि डिक्शनरी फॉर्म में जमाइए भाई क्या कहता है आपसे डिक्शनरी फॉर्म में जमाइए तो डिक्शनरी फॉरम में, तो में यदि हमको इसको लिखना है सेट करना है तो सीधी साधा ए बी सी डी अपने को आनी चाहिए ये क्वेश्चन डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है मैंने आपसे कहा था कि ऐसा क्वेश्चन एक डिक्शनरी वाला आपके लिए आएगा और वही क्वेश्चन है कुछ ज्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं ठीक है चलिए उसने कहा है कि कार्टडीज केमिस्ट्री कार्टवील कैमो के, फ्लेग और क्रिटेरिया आपको पता है सी तो सभी में कॉमन है उसके बाद देखो ए वाले आएंगे यहाँ ए है यहाँ ए है और यहाँ ए है उसके बाद देखो यहाँ आर है यहाँ आ रहा है यहाँ एम है, है तो आर से पहले क्या आता है एम आता है तो फोर आएगा सबसे पहले क्या आएगा बेटा फोर आएगा उसके बाद देखो कार्टी तो कार्ट के कार्ट तो के आपको। आपको में ऐसा है जहां फोर वन थ्री है तो आगे आपको एंटरटेन नहीं करना है इसको टेक करना है, आगे आपको निकल जाना है ठीक है देखो भाई अगला क्वेश्चन है कोडिंग रिकॉर्डिंग का अगला क्वेश्चन किसका बेटा कोडिंग रिकॉर्डिंग का देखें किस प्रकार करना है उसको उसने बोला है स्टॉप स्टोपैट एस टी ओ पी पी ए टी स्टॉप एट को उसने क्या लिखा है बेटा आई एच डबल एम आई एच डबल एम उसने लिखा जे वाई एफ जे वाई एफ और मैंने आपको सिखाया है बेटा क्या सबसे पहले आप क्या करेंगे नंबर लिख लें उन्नीस बीस और पंद्रह सोलह सोलह एक और बीस नौ आठ तेरह तेरह दस पच्चीस और छह ठीक है ये आपको मैंने सिखाया है इसमें कोई दोहराए नहीं है आपको दिख रहा है क्लियर देखो यदि मैं एस के अपोजिट की बात करूं तो एस का अपोजिट होता है एच और उसके अपोजिट में किया है प्लस वन अपोजिट में क्या किया है अपोजिट में किया है बेटा प्लस वन अरे बोलो हां तो शुरू के जो थर्ड हैं जो स्टार्ट वाले जो फर्स्ट थ्री लेटर हैं फर्स्ट थ्री में क्या किया है अपोजिट में प्लस वन मतलब एस का अपोजिट होता है उन्नीस का अपोजिट एच होता है एच में प्लस वन किया है लास्ट के तीन में क्या किया है लास्ट थ्री लेटर में क्या किया है अपोजिट माइनस वन अपोजिट माइनस वन और बीच में रखा है उसको सेम मतलब पी को एम से कोड किया गया है एम से कोड किया गया है जैसे आपसे पूछा है रोस रोस, रोस आर ओ एस एच ई सीवी आर ओ एस एच ई सी और वी तो देखो आर का आई होता है तो आई का हो जाएगा जे प्लस वन ओ का एल होता है एम हो जाएगा बेटा एस का एच होता है आई हो जाएगा इसको एम से ही कोड करना है ई e का होता है वी माइनस वन यू हो जाएगा बेटा सी का होता है एक्स और एक्स से माइनस वन क्या होगा हाँ डब्ल्यू हो जाएगा बेटा और वी का हो जाएगा बेटा क्या हाँ ई e होता है हो जाएगा डी तो इसमें क्या ट्रिक थी ट्रिक कुछ नहीं थी कि पहले तीन का जो अपोजिट है उसका माइनस सॉरी प्लस वन करना है और लास्ट के तीन का अपोजिट माइनस वन करना है और बीच वाले को उसको एम से ही कोड करना है ठीक है ये था अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देखो कि इस प्रकार से पूछ रहा है कि यदि ऐसा है तो कैसे होगा तो ये देखें ये आपने लिख लिया होगा ये मिटा रहा हूं मैं भाई ठीक है सॉल्यूशन है आपके पास कोई जरूरत है नहीं इसको अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो देखें कि हमने हाँ इनक्लूड्स को 171 लिखा है क्या लिखा है इनक्लूड्स को 171 इंक्लूड्स को लिखा है 171 इट मींस कि आई को आता है नौ और एस का है नाइनटीन दोनों का गुणा किया आपस में तो क्या आया 171 अगला लिखा उसने रिएक्टिव और रिएक्टिव को क्या लिखा है उसने नाइनटी तो आप जानते हो देखो ई आता है पांच पे और आर आता है अठारह पे दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा नाइनटी पूछा है क्या है आपसे क्विक पूछा है क्या पूछा है क्विक क्यू आता है सत्रह पर और के आता है बेटा ग्यारह पर दोनों गुणा कर दो आपस में क्या आएगा वन एटी सेवन क्या आएगा वन एटी सेवन हमने कुछ नहीं किया है पहले और लास्ट लेटर के डिजिट का जो नंबर है डिजिट है उसका लेटर का जो डिजिट है उसको आपस में गुणा किया है इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है ठीक है तो आप इसको लिख लीजिए ये आपके दोनों तो यहां पर आंसर क्या देखो, इसका है ऑप्शन नंबर इस इसका है बेटा ऑप्शन नंबर और इसका है बेटा सेवन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेटा अगला जो है वो ब्लड रिलेशन है क्या है ब्लड रिलेशन है देखिए ब्लड रिलेशन की बात कर लू मैं आपसे देखिए

और के लिए आते हैं तो हु आएगा बेटा यू के लिए यू इज एल यू सन है किसका बेटा एल का एल का जेंडर मुझे अभी तक नहीं पता है और जब नहीं पता है उसको मैं नहीं लिखूंगा ठीक है बी इज द ग्रांड सन ऑफ के के का यानी कि ग्रांड सन है तो बी इसका भाई होगा और के इसकी पत्नी होगी क्योंकि ये क्या है पति है हमारे संविधान में भले ही ये कर दिया गया है कि दो समलैंगिक विवाह हो सकते हैं बट अभी रीजनिंग में ऐसा नहीं है रीजनिंग में मंजूरी नहीं दी गई है है ठीक आगे उसने कहा कि के के टू जी जी की शादी से होती किसका बेटा तो क्या हो जाएगी वाइफ हो जाएगी एस इज सिस्टर ऑफ यू तो एस सिस्टर है पूछा है, उसने उसने पूछा है तो है बेटा ए है मदर मेरे पास जमीन है जायदाद है गाड़ी है पैसा है तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है क्या है मेरे पास माँ है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा मदर हो जाएगा बोलो हाँ ठीक है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा आगे चलते हैं। एक आयु से पूछा था ठीक है बेटा आंसर मदर हो गया चलिए आगे, आगे क्वेश्चन दिया बेटा आपके लिए क्या है स्लॉक से सिंपल सा कि ऑल टी इज मिल्क मिल्क ऑल टी इज मिल्क बेटा और ऑल मिल्क इज अ वूड ऑल मिल्क का वूड आपको पता है तीनों में ऑल का संबंध है तो वहां उसने कहा ऑल टी इज वूड बेटा बिल्कुल हो सकते हैं पहला सही है दूसरे में सम मिल्क इज टी बेटा सम मिल्क इज टी जब ऑल टी इज मिल्क है तो सम मिल्क इज टी हो सकते हैं दोनों ही सही है बेटा तो बोथ का ऑप्शन नहीं है इसमें बोथ का ऑप्शन होगा बेटा पीछे होगा ठीक है ये रहा आपके लिए दोनों ही भाषाओं में पेपर दिया जाता है जिससे कि आप इसको कर सकें ठीक है बोथ का ऑप्शन है आगे देखें बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है अगला क्वेश्चन है आपके पास किसका ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का और अच्छा बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें कोई दोराय नहीं है देखें क्वेश्चन क्या है आठ बंदे टोटल बैठे हैं एक सर्कल में बैठे हैं कहां बैठे हैं एक सर्कल में आठ बंदे बैठे हैं बेटा मैंने हमेशा सिखाया है आपको कि हमेशा दो प्रोजेक्शन लेके चलो कितने दो प्रोजेक्शन लेके चलो कुछ का मुंह है है, कुछ का मुंह है अंदर है ठीक है और जब बाउंडेड बॉडी मतलब आप उसमें आपसे कहा जब उसके पहले अल्फाबेट कॉमन ना हो तो आप क्या करेंगे आप सिंपल सा उसका एक एक अल्फाबेट ले लें पूरा नाम ना पढ़ें ठीक है टाइम वेस्ट होता है उसमें अपना वो कराया आपसे कि बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड एम बेटा बी नेबर है किसका एक्स का और एम का बी नेबर है बेटा किसका एक्स का और एम का एक बार एक्स इधर एक बार एम इधर समझ गए चलिए आगे वो करा आपसे एंड सेट अपोजिट टू सोनिया और सेट अपोजिट टू सोनिया एस के अपोजिट कौन बैठा है बी बैठा है बेटा ठीक है आगे करा आपसे कि बी एंड एस बोथ फेस इनसाइड साइड बी बी इन देख रहा है बेटा

पायल एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माया एंड किसके लिए आता है मैंने सिखाया आपको एंड आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए तो जो वाई है वो माया के इमीडिएट लेफ्ट में है कहाँ है माया के इमीडिएट लेफ्ट में है देखिए माया के कहा बेटा इमिडिएट लेफ्ट में है

इसमें एम अंदर ही दिख रही है एम भी अंदर दिख रही है वाई भी कहा है बेटा अंदर दिख रही है आगे बात करते हैं एक्स सिट से थर्ड था लेफ्ट ऑफ एस एस के थर्ड लेफ्ट में एक्स बैठा हुआ है इसमें नो डाउट no सही है है बेटा ये ठीक एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन और दोनों ही कहा है सेम डायरेक्शन में ये अंदर है तो ये भी कहां हो जाएगा बेटा अंदर हो जाएगा पांच अंदर थे तो तीन बाहर थे तीनों को बाहर कर दो बेटा नो डाउट तीनों बाहर हो जाएंगे ठीक है आगे क्वेश्चन ने कहा कि सी फेसेस अपोजिट टू माया एंड सिट से राइट ऑफ एक्स सी जो है वो माया के अपोजिट फेस करके बैठी थी है ठीक है और कहाँ पर बैठी है सेकंड राइट ऑफ एक्स एक्स के सेकंड राइट right में सी यहाँ जाएगी और जे यहाँ जाएगा यानी जो जॉन बचा है वो यहाँ जाएगा जॉन इज एन इमिनेट नेबर ऑफ सोन एंड नर्स का बेटा बिल्कुल सही है और कहाँ अंदर नहीं दिख रहा है नहीं बाहर दिख रहा है बेटा अपना ये बिल्कुल सही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा ये गलत हो जाएगा तो इसको क्या कर देंगे अपन मिटा देंगे बोलो हाँ अरे बोलो हाँ के ना कुछ बुला करो ठीक है तो उसने बोला आगे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है उसने क्वेश्चन क्या पूछा है भाई क्वेश्चन कहाँ पे है क्वेश्चन पूछा आपसे इमीडिएट लेफ्ट में कौन है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है मेरे भाई बेमल है. कौन है अरे बोलो हाँ ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा पहले का बेमल हो जाएगा बड़ा ये क्वेश्चन में आपको इंटरटेन नहीं करना है मुझे ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे तो ऐसा नहीं कि आपको सर आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ाते रहो ऐसा कुछ नहीं होगा क्वेश्चंस को करो आपने पेपर दिया आपके नंबर चेक करो कितने आए हैं और कहा आपने गलती की है ठीक है और जो हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी एक पेपर देख करके क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या है बिमल है सेवन फ्रेंड्स की बात चल रही है लीनियर अरेंजमेंट है बेटा इसमें कुछ नहीं करना है आपको उसने कहा है तीन बॉयज हैं और तीन गर्ल्स हैं और सभी कहाँ देख रहे हैं फेसिंग नॉर्थ है क्वेश्चन बहुत सिंपल है उसने कहा आज सिर्फ एक एंड पर है तो आज यहाँ हो सकता है आसिफ सिर्फ यहाँ हो सकता है छह बंदे हैं तो छह बना लो एंड मिल जाए तो मैंने कहा है कि क्या बना लो बना लो तीन और तीन उसने कहा है एक्स और बी इमीडिएट सॉरी में बैठे तो एक्स और बी यहाँ होंगे एक्स और बी होंगे अब उसने कहा एक्स गर्ल है बी एक बॉय है एक्स जो है लेफ्ट है बादल के यानी बी के लेफ्ट है एक्स तो बी यहाँ एक्स यहाँ बी यहाँ एक्स यहाँ एक एक्स गर्ल है बी बॉय है एक्स गर्ल है बी बॉय है ठीक है ये उसने कहा है एच एक घर ले जो की आसिफ और सैन के बीच है कौन है ये एच एच एक घर ले जो ए और एक्स के बीच में है यहाँ ऐसा नहीं हो सकता ये गलत हो जाएगा इस इसमें बात करेंगे आगे आगे आपसे कह रहा है देखो इसमें कोई डाउट नहीं है बहुत सिंपल क्वेश्चन से तो जिसको रेपिडली करेंगे जिससे आपका पूरा पेपर भी हमें कराना है ठीक है तो देखो वो आपसे कह रहा है आगे के जो जे है वो बादल और वाहिद के बीच में है जे यहाँ बैठ बेट जाएगी बेटा यहाँ बी वाहिद यानी डब्लू हो जाएगा कौन हो जाएगा डब्ल्यू यहां जे हो जाएगी बेटा और यहां हो जाएगा डब्लू उसने कहा है जास्मिन गर्ल। उसने कुछ कहा? नहीं बॉय और तो तो क्वेश्चन उसने पूछा है बेटा के राइट इमीडिएट राइट में कौन है एक्स के इमीडिएट राइट में कौन है बेटा एक्स के इमीडिएट राइट में कौन है बी है बी फोर क्या है बेटा बी फोर है बादल क्या है बादल यानी कि बादल घर जाएंगे तो बारिश भी आएगी कि अब अब वो बादल नहीं है जो गरज से रह जाए बड़ से नहीं अब बादल घर गर जगह भी और बारिश भी होगी मैंने आपसे कहा था कि जब भी बादल आएंगे तो बारिश होगी ठीक है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा बेटा अच्छा ये सात नहीं है बेटा ये क्वेश्चन मार्क है ठीक है इसमें एक सीरीज पूछा आपसे कैसे के टू एट वन ट्वेंटी एट क्वेश्चन मार्क और एक, एक नंबर दिया आपको टू वन फोर सेवन सेवन फोर एट थ्री सिक्स फोर एट ठीक है इसका मतलब देखो क्या हुआ इसमें दो का स्क्वायर गुणा दो करेंगे बेटा तो आठ आ जाएगा आठ का स्क्वायर गुणा दो करेंगे बेटा तो वन ट्वेंटी एट आ जाएगा और वन ट्वेंटी एट का स्क्वायर गुणा दो करोगे बेटा तो यहाँ क्या आएगा थर्टी टू साइज सेवन फोर्टी एट आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एक बार चेक कर लेते हो करके देखते हैं क्या आता है 128 का स्क्वायर क्या आता है भाई आप भी चेक करो सोलह हजार तीन सौ चौरासी गुणा कितना बेटा दो बत्तीस सात सौ अड़सठ हाँ यही है ऑप्शन सी इज करेक्ट तो क्या आएगा बेटा थर्टी टू सेवन सिक्सटी एट अरे बोलो हाँ ठीक है आगे उसने पूछा आपसे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा अगली भी सीरीज है बेटा अगली क्या है अगली भी सीरीज है ठीक है देखते हैं क्या आएगा चलिए अगली सीरीज क्या है बेटा 1897 और अगली क्या है बेटा 496 और 2493 और अगला क्या है क्वेश्चन मार्क है बेटा देखो 18 5 कितना आएगा 90 प्लस कितना 7 तो क्या आया बेटा 97 97 5 कितना आएगा बेटा 485 प्लस कितना 11 क्या आएगा 496 यानी कि वो क्या कर रहा है कि अगली संख्या को गुणा पाँच से कर करके उसमें अगला क्या जुड़ रहा है बेटा प्राइम नंबर जुड़ रहा है क्या जुड़ रहा है अगला प्राइम नंबर जुड़ रहा है तो टू फोर नाइन थ्री है यानी कि इसमें थर्टीन जुड़ा होगा तो टू फोर एट जीरो आएगा और प्लस आएगा थर्टीन तो क्या जाएगा टू तू फोर नाइन थ्री अगला क्या करेंगे टू फोर नाइन थ्री गुणा पाँच तो जो भी संख्या आएगी उसमें जोड़ देंगे अपना कितना सत्रह जोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से बारह हज़ार हाँ चार सौ पैंसठ आनी चाहिए उसमें जोड़ देंगे सत्रह तो बारह हजार चार सौ ब्यासी आ जाएगी बेटा ठीक है एक बार क्रॉस चेक आप और कर लोगे वैसे इसका मेथड यही है हमें सीरीज क्या है वो फॉलो करना है आंसर तो अपने आप ही आ जाता है उसमें कोई दोहराए नहीं है नो no डाउट किसी को बोलो हाँ या ना समझ गए इस बात को करें इस चीज को आगे देखें भाई देखो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था जो सीरीज है वो इस प्रकार है बेटा के डैश के जी के डबल डैश जी के डबल डैश के के जी इस प्रकार है तो इसमें मैंने कहा था ऑप्शन टेस्ट कर लेना बेटा ऑप्शन नंबर तीन यदि मैं यहां से उठाता हूं तो आप देख पाते हो कि ट्रिपल के जी डबल के जी ठीक है ट्रिपल के जी डबल के जी अच्छा यहां पर नहीं होगा ये अगले बारे में दो होगा ठीक है इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा यहां पर वन टू वन टू ट्रिपल के जी डबल के जी ट्रिपल के जी और डबल के जी ठीक है इसमें कोई दौरा है नहीं ऑप्शन नंबर बस यहां इसको double वो कर लेना मैंने वो आपको करा दिया था क्लास में ही आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सीरीज का अगला क्वेश्चन है बेटा सीरीज का ही सीरीज का यह अगला क्वेश्चन है बेटा देखो टू नाइन थ्री वन इसको तो भले ही ऐसे कर लोगे आप देखो कैसे कि दो का अंतर तीन का अंतर पांच का अंतर सात का अंतर तो अगला आएगा ग्यारह का यानी कि प्राइम नंबर्स का तो क्या फिफ्टी सेवन अगला क्वेश्चन है फिगर सीरीज से देखो भाई फिगर सीरीज में वो क्या रहा है बेसिकली आप देखोगे यदि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ इसको नहीं फिल्टर फट रहा है चलिए सीरीज में हो रहा है कुछ नहीं सीरीज में सिर्फ इतना हो ट्राइंगल है तो अगली सर्कल, सर्कल को किया है। है, तो इस बार ट्राइंगल रेक्टेंग, को बाहर किया, तो किया है तो इसमें क्या है इसमें कुछ ऐसी आकृति है जो जैसे घर बना होता है गुम्बद बना होता है तो इस बार गुम्बद क्या हो जाएगा इस बार गुम्बद क्या हो जाएगा जाएगा तो ऐसा ऑप्शन नंबर फोर में है कहा ऐसा ऑप्शन नंबर फोर में है तो फोर इज करेक्ट आंसर अरे बोलो हाँ करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखते हैं बेटा बेटा बहुत यहां पर देखें क्या नाम है मोहित मलिक मुंबई पेपर को लीजनिंग के पेपर को ढंग से देखें सभी यहां पर पेपर देखें देखो भाई स्पेशली ये देखें बेटा ये जो क्वेश्चन एनालॉजी का ये किस प्रकार हुआ है देखो सात से सात पॉइंट छियास है जैसे कि की ऐसा तो ही संबंध इनमें से किससे है तो एक क्वेश्चन है एनालॉजी का इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है है कि किस ट्रिक से ये सही हो रहा है। अरे बोलो हाँ के ना बेटा कोई बात नहीं पसीने आते रहते हैं मेहनत में ये चलता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पसीने भी आएंगे लेकिन रुकना नहीं है थकना नहीं है रुकना मना है थकना मना है रिवाइटल जियो जिंदगी जी भर के ठीक है देखो बेटा यदि मैं सात का गुणा कर दूं सोलह से तो कितना आएगा मेरे भाई सर एक सौ बारह आएगा कितना आएगा एक सौ बारह आएगा ना हाँ सर एक सौ बारह आएगा तो यदि मैं एक सौ बारह को डिवाइड कर दूं कितने से पंद्रह से तो कितना आएगा सर सेवन पॉइंट फोर आएगा तो ऐसे ही देखो बेटा मैं नाइन का गुणा कर दूं सिक्सटीन से किससे सिक्सटीन से तो कितना आएगा एक सौ डिवाइड कर दूं पंद्रह से बेटा तो लगभग कितना आएगा नाइन पॉइंट सिक्स आएगा तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट करेंगे नाइन और नाइन पॉइंट सिक्स ठीक है देखो कार्निवरस लिया पॉइंट है तो ओमनीवरस यानी कि ओमनिवरस कौन से होते हैं ओमनीवरस जो कि मांस भी खाते हैं और जो शाकाहारी होते हैं जो मांसाहारी दोनों होते हैं ऐसा तो दुनिया में एक प्राणी है कौन इंसान जो कुछ भी खा लेता है जो साकार भी खाता है जो मांसाह भी खाता है कौन है वो इंसान है ह्यूमन ठीक है बेटा देखें ये क्या था ये एक एनालॉजी क्वेश्चन था कौन सी एनालॉजी थी ये अरे बोलो अल्फाबेट एनालॉजी कौन सी थी ये अल्फाबेट एनालॉजी थी अरे हाँ ना चलिए कुछ नहीं करना है आपको पता है क्यू डी एक्स जी एस बी जेड ई एस बी जेड ई बट आपको पता देखो क्यू से प्लस दो माइनस दो प्लस दो और माइनस दो तो ऐसे पूछा आपसे क्या है S, O बी डी एस ओ बी डी प्लस दो माइनस दो प्लस दो और माइनस दो U, M डी बी क्या हो जाएगा M डी बी ठीक है

इसका मिरर इमेज क्या बनेगा बेटा तो के ऐसे हो जाएगा के ऐसे हो जाएगा है वो ऐसे हो जाएगा आई ऐसे हो जाएगा आर जो है ऐसे और ऐसे हो जाएगा और, ऐसे हो जाएगा? और बी ऐसे है और ऐसे हो जाएगा ये किस किस में है देखो ये वाला ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट क्यों क्योंकि ये वन क्यों नहीं है मोहित बेटा मोहित मलिक मुंबई ये देखें कि वन क्यों नहीं है क्योंकि वन में एस को उसने उल्टा नहीं किया है तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा रेक्टेंगल देखें रेक्टेंगल कितने हैं ये आपको क्लियरली सिखाया गया है क्लास में कि देखो एक दो तीन पांच तो इसमें हो गए पांच हो गए इसमें और यहां से आप जाओगे तो एक ये बनेगा एक ये बनेगा और एक ये बनेगा एक पूरा ये, ये बनेगा एक ये और एक ये, ये. यहाँ पर ये दो बन जाएंगे अलग से एक ये ऑल ओवर खुद बन जाएगा एक पूरा ये बनेगा टोटल पांच हो गए तो कितने ऐसे यहां पर बनेंगे तो इसमें सिंपल आप कर सकते हो अठारह क्लियर देख रहे हैं इसमें। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है कोई बात नहीं सब कुछ होगा बेटा ठीक है आप पढ़ो तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे यही आपको याद रखना है ठीक है अगला देखे बेटा उसने कहा है देखो <laughs> उसने दिया है कोडेड मैथमेटिकल ऑपरेशन उसने कहा है कि ए का मतलब है प्लस बी का मतलब है हाँ माइनस सी का है क्रॉस और डी का है डी का क्या है डिवाइड तो आगे उसने दिया है नाइनटी वन डी यानी कि डिवाइड थर्टीन ए का मतलब है प्लस टेन सी का मतलब है बेटा सी का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी कि वन और b का मतलब क्या है b का मतलब है माइनस यानी कि टू तो बेटा ये पहले डिवाइड सॉल्व होता है फिर गुणा सॉल्व होता है फिर एड सॉल्व होता है और फिर आंसर आता है पंद्रह क्या आता है आंसर पंद्रह आता है फिफ्टीन समझ गए यहाँ पर देखें उसने कहा यहाँ पर मैंने आपको करेक्शन करवाया था कि दोनों ही प्लस नहीं है ये डिवाइड है क्या है ये डिवाइड है उसने पूछा है अच्छा बेटा मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब जो क्वेश्चन जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन चल रहे हैं जो तरीके आ रहे हैं उसमें आपसे जो ज्यादा पूछ रहा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन और एनालॉजी ही पूछ रहा है ठीक है इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपसे क्या पूछ रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन या एनालॉजी ही पूछ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है वो देख लेते हैं वो आपसे कह रहा है कि बताइए कौन से सिंबल को चेंज करें इसमें जिससे कि उसका आंसर वो आ जाए तो देखो टेन डिवाइड बाई टू मैंने कहा था डिवाइड सबसे अच्छा साइन है अपने ऑप्शंस को काटने के लिए ठीक है तीस और डिवाइड और प्लस को चेंज करना है तो डिवाइड को प्लस कर देते हैं अच्छा ये है, चेंज करना है ठीक है रुको मिनट डिवाइड को करना है प्लस तो क्या हो जाएगा टू क्रॉस थर्टी प्लस को करना है डिवाइड फाइव माइनस सिक्स इंटू इक्वल टू तो सिक्सटीन देखो कितना आएगा यहां आ जाएगा छह गुणा दो प्लस दस तो दस प्लस बारा ठीक है, कितना जाएगा यानी कि बराबर RHS और हेंस प्रूफ इति सिद्धम यदि आपने बचपन में प्रेम प्रेमे सॉल्व की हो तो आप प्रेमे में करते हो हेंस प्रूफ इति सिद्धम अरे बोलो हाँ के ना समझ गए इस चीज को तो आपको ऐसे चीज को पढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं ठीक है थीके? इन क्वेश्चंस में आपको देखना है हाँ जी इन क्वेश्चंस में आपको देखना है किस प्रकार आपने इसको सॉल्व किया है ठीक है तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे रीजनिंग का पोर्सन था और जो मैंने कहा था वही पेपर है मैंने कहा था पेपर ऐसा आएगा वही पेपर है और आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो यूट्यूब पर गया होगा यूट्यूब पर भी हमने सोल्यूशन कराया है यदि आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हो तैयारी करो से तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके तैयारी करो ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं स्पेशल रीजनिंग का कर सकते हो स्पेशल जी <GiS> का कर सकते हो स्पेशल मैथ का कर सकते हो और स्पेशल कर सकते हो आप इंग्लिश का इंग्लिश अजय सर हैं मैथ के लिए आपके सचिन सर हैं जी के लिए अभिषेक सर हैं और रीजनिंग तो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा ही ठीक है तो आप चाहें तो पूरा कम्बाइंड बैच ले सकते हो आप चाहो तो स्पेशल भी किसी भी सब्जेक्ट का बैच ले सकते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के तैयारी करो ऐप डाउनलोड करें और वहाँ जाकर के अपना बैच परचेज़ कर लें थैंक यू वेरी मच थैंक यू क्लास थैंक यू वेरी मच ये आपके पास क्या है आपके 20 क्वेश्चन थे रीजनिंग के उनके आंसर्स हैं अब आपके पास इंग्लिश वाले सर आएंगे वो आप अपने आंसर्स कराएंगे थैंक यू वेरी मच